काफी सारे LG V30 के लीक्स के बाद यहाँ पे फाइनली आज LG ने इंडिया के अंदर LG V30 Plus को लॉन्च कर दिया है, जो प्राइस काफी इंप्रेसिव रखा है दोस्तों। और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस LG V30 Plus के स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, एंड आपको आखिर में बता दूंगा अपना ओपिनियन कि क्या लगता है एक आम ग्राहक होने के नाते कि आप लोगों को ये LG V30 Plus ये स्पेसिफिकेशंस के साथ परचेस करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद भूल मत जाइएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोगों को LG V30 Plus के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 6 इंचेस का एक OLED स्क्रीन, जिसका रेजोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा क्वाड HD Plus का, और इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। लुक एंड फील काफी अच्छा है, यहाँ पे मेटल और ग्लास का बना हुआ फोन है, यूनिबॉडी मेटल डिजाइन आप बोल सकते हैं। पीछे में भी आप लोगों को ग्लास बैक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 835 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और आप लोगों को यहाँ पे 4GB की रैम मिलती है। रैम थोड़ा कम है, लेकिन 835 4GB रैम मल्टीटास्किंग एंड हेवी यूजेज के लिए सही है। और इनबिल्ट स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को LG V30 Plus लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है 128GB का, और यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं अप टू 2TB। 64GB आप लोगों को इनबिल्ट स्टोरेज मिलता था LG V30 में, लेकिन LG V30 को लॉन्च नहीं किया है, LG V30 Plus को लॉन्च किया है। कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर में, और प्राइमरी जो सेंसर है वो है 16 MP का सेंसर f/1.6 का एपर्चर के साथ, और यहाँ पे आप लोगों को 3-axis OIS मिल जाता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। और सेकेंडरी सेंसर है वो है एक वाइड एंगल लेंस, जहाँ पे आप लोगों को 13 MP का सेंसर मिलता है f/1.9 एपर्चर के साथ। LED फ्लैश भी मिल जाता है रियर के अंदर। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को मिलता है 5 MP का फ्रंट कैमरा f/2.0 के साथ। तो फ्रंट कैमरा उतना खास नहीं है, लेकिन रियर कैमरा काफी अच्छा है इसका। और अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 3300 mAh की बैटरी, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 के साथ आता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाता है, और IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है और डस्ट प्रूफ है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है आप लोगों को। और भी तरह तरह के सभी सेंसर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है। यही है दोस्तों इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस। अब अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस रखा है LG V30 Plus का 44,990 rupees। LG हर टाइम क्या करता है, सैमसंग के साथ कम्पीट करने को जाता है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखता है, उसके बाद फिर लो कर देता है, मतलब क्या करता है समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे इस LG V30 Plus को लॉन्च किया गया है 44,990 rupees। तो फोन्स के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स देखने के बाद मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा प्राइस है। अगर आपको LG का फ़ोन लेना है, अगर आपको अच्छा लुक एंड फील वाला फ़ोन लेना है, अगर आपको अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, अगर आपको एक अच्छा मतलब जहाँ पे आप लोगों को अच्छा प्रोटेक्शन मिले, वाटरप्रूफ मिले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 प्रोटेक्शन मिले, यानी कि प्रोटेक्शन काफ़ी हाई मिले जिस फ़ोन में आप लोगों को, तो ये है वो LG V30 Plus जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं इस 45,000 के प्राइस ब्रैकेट में। इस प्राइस ब्रैकेट में आप लोगों को OnePlus 5T मिल जाता है, Xiaomi Mi Mix 2 मिल जाता है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को LG के फ़ोन्स पसंद है और जिन लोगों को ये सब फीचर्स चाहिए जो कि LG V30 Plus में एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो आप लोगों को ये फ़ोन ज़रूर से कंसीडर करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा इस LG V30 Plus के बारे में। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।